नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। पटोगे तो कटोगे, इस बयान ने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और झारखंड तक ही नहीं पूरे देश में घमासान मचा दिया। इस बयान के बाद थोड़ा सा लखनऊ की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी और इन सरगर्मियों में कई चीजें खुलकर सामने आने लगे। देखने में आया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आज पोस्टर वार हुआ, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक बयान दे दिया। उस बयान के बाद फिर सुर्खियां बन चुका था पूरा ये नारा, और इस नारे पर उठा पटक सीधी सीधी जारी हो गई। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके चाचा हैं, और चाचा के बयान पर फिर तीखी प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से ना होती तो फिर इस बयान का कोई मकसद नहीं। पहले बयान सुन लीजिए क्या कहा शिवपाल। चाचा एक आखिरी सवाल। मैं तो देखो दीदी है, थोड़ी दूर मैं तो कटेगा न कटेगा और जो बातें करेगा बाद में पिटेंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा और ज्यादा कुछ होगा तो अब पिटेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को गढ़ते समय नहीं सोचा होगा कि अखिलेश यादव के चाचा इतना भड़क जाए कि मैं जो नारा दे रहा हूं, मैं अपने नारे को जो जनता के मध्य ले जा रहा हूं और उस नारे का ये हश्र हो जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ के नारा देने के बाद इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी आ गए, इस नारे के साथ आरएसएस आ गया और इस नारे को उसी तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे पहले नारा दिया जाता था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाए। ये नारा वर्षों तक चला। अब राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तो राम मंदिर का नारा समाप्ति की ओर चल पड़ा था और उस नारे के बाद अब बीजेपी ने ये नया नारा गढ़ दिया है और ये नया नारा गढ़ा भी आरएसएस की तरफ से गया। आरएसएस ने इसे योगी जी को उपयुक्त माना और योगी जी ने इस नारे का प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर आरएसएस ने इस नारे की तारीफ कर दी। अब इस नारे पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोलना शुरू किया। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा ना पीडीए बटेगा और ना पीडीए कटेगा। शिवपाल यादव ने कहा ना कोई बटा ना कोई बटेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को लेकर बटने कटने का जिक्र करती है, उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए ना बटेगा ना कटेगा। दोनों के अपने अपने नारे की मतलब है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जब जब चुनाव इस देश में आते हैं तो हिंदू खतरे में आ जाता है। चुनाव खत्म होते ही हिंदू का क्या होता है, हिंदू के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर फिर कोई जिक्र नहीं होता। अभी आपने देखा बहराइच में बवाल होता है, बहराइच में हिंसा हो जाती है, बहराइच में रामगोपाल मिश्रा मारे जाते हैं। आगे आते हैं मोहित पांडे लखनऊ में पुलिस की हिरासत में मारे जाते हैं। पहला ये वाकया है जब सोशल दबाव बढ़ा और सोशल दबाव के बढ़ते योगी सरकार बैकफुट पर आई। वहां के बीजेपी के विधायक को आज मोहित पांडे के परिवार को ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपया का ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने एक आवास दिए जाने की घोषणा की। वहीं इस पूरे मामले पर अमन गौतम की मौत होती है 10 अक्टूबर, ना उसे कुछ मुआवजा मिलता है ना मुख्यमंत्री के परिवार से मिलाया जाता है। तो ये बटना कटना नारा यहां क्यों नहीं सेट हो रहा? यहां कौन बट गया? यहां दलित बट गया। यहां कौन बट गया? यहां पिछड़ा बट गया। यहां कौन बट गया? मुसलमान बट गया। यहां कौन बट गया? अगड़ा बट गया। यहां कौन बट गया? सब कुछ बट गया, सामने दिख रहा है। अब इस नारे के बाद कैसे कहोगे कि बटोगे कटोगे पिटोगे रुकोगे चलोगे हंसोगे रोओगे, कैसे कहोगे? क्या है किसी के पास इस बात का जवाब?
कि मुख्यमंत्री जी के नारे और प्रधानमंत्री जी के नारे, आरएसएस के नारे का यही हश्र होना है कि दलित की अगर पुलिस हिरासत में मौत होती है तो उस पर कोई आंसू बहाने नहीं जाएगा, उसे कोई कंपनसेशन सरकार नहीं देगी, मुख्यमंत्री के पास तक उसका परिवार को नहीं बुलाया जाएगा, मुलाकात नहीं होगी। ये 10 अक्टूबर की घटना है और आज ये घटना 27 अक्टूबर। वो चाचा कौन है जिसे मीडिया में बार बार बताया जा रहा है? मीडिया अभी अखिलेश के चाचा शिवपाल का ये वीडियो वायरल जो हुआ है इसको लेकर घंटों डिबेट होगी इसी पर, कैसे कह दिया पिटोगे, आखिर ये गुंडा पार्टी फिर आ गई मैदान में, ये अभी इसका चरित्र चित्रण होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी कह दो उस पर कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं कल एक सरकार का वीडियो देख रहा था, शायद हरियाणा का वीडियो, उसमें अधिकारियों के सामने हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है। मैं पक्का सनातनी हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन यही काम अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर मुसलमान कर देता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों, उसके खिलाफ पूरा समाज क्यों उतर पड़ता है? यही काम अगर सिख समुदाय का कोई व्यक्ति कर देगा तो उसके खिलाफ पूरा समुदाय क्यों उतर पड़ता है? ये बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, ये बताना पड़ेगा। और अगर आपको 18-20% लोगों का विरोध करके 80% तबके को इकट्ठा करने का ये पूरा प्रोग्राम रचा है तो क्या फिर अखिलेश के पीडीए के नारे की हवा निकल जाएगी? क्या अखिलेश जिस नारे को लेकर सड़क पर आए हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा लेकर जो आए हैं, टिकट देते वक्त उन्होंने ये साबित किया है, तो क्या इस नारे की हवा निकल जाएगी? राजनीति करिए, सब कुछ करिए। पहले भी हम जब जब इन नारों के चपेट में आए हमारा बड़ा बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हमें अपनी बातें रखनी चाहिए, हमें अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए, हमें सनातन पर गर्व महसूस करना चाहिए, हमें हिंदू होने पर भी गर्व होना चाहिए, तो दूसरे के मुसलमान होने पर भी हमें नफरत नहीं होनी चाहिए, दूसरे के सिख होने पर भी हमें नफरत नहीं होनी चाहिए। हम न किसी को काटेंगे, हम न किसी को बांटेंगे, हम न किसी को डांटेंगे, हम न किसी को पीटेंगे, हम सभी धर्मों की रक्षा करेंगे, हम सभी लोगों की रक्षा करेंगे, हम सब समाज को एक संदेश देंगे। देश में ये संदेश देना बेहद जरूरी हो गया है कि हम पीटने मरने कटने की बातें कब तक करते रहें? अगर राजनीति इन्हीं मुद्दों पर चलेगी तो फिर क्या जरूरत है इस देश में रोजगार की, फिर क्या जरूरत है इस देश में कारोबार की? आज आपको मालूम होगा लगातार चर्चा होती है रोजगार की स्थिति बेहद खराब है, और इसकी वानगी आप दिवाली के बाजार में जाकर देख लीजिए, आपका मन सब कुछ समझ जाएगा क्या हालात है बाजार। कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी हाथ में पैसे नहीं है, पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास। आज नारों से चुनाव, चुनाव से नारे, हम हैं किसके सहारे, हम बटे नहीं तो मरे कैसे, पुलिस हिरासत में मरे कैसे, और मरे तो मोहित पांडे और अमन गौतम में अंतर क्यों, किसने बांटा, कौन थे वो बांटने वाले लोग? लगातार जिक्र होता है आदर्श सिंह का, आदर्श सिंह के चाचा कौन है, चाचा का विधायक कौन है जिसने मोहित पांडे को रात में थाने में बंद कराया? यहां कौन बटा, कौन कटा, कौन कटा? आदर्श सिंह के कहने पर मोहित पांडे को थाने में बंद कराया गया। बांटा गया या काटा गया या जोड़ा गया, इसका जवाब दीजिए। उसी समय बताया जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विधायक है अजय सिंह, उनका फोन आता है और इस फोन आने के बाद उन्हें फिर वही थाने में बंद कर लिया जाता, वरना पुलिस ने फैसला करा दिया था, महज 600 रुपया की बातचीत। कौन बटा, कौन कटा, कौन पिटा, ये सवाल आप खुद तय कर लीजिए। और शिवपाल सिंह के इस बयान के साथ इस प्रोग्राम से हम विदा लेंगे, जो दर्शक देखें समझें क्यों कहा ये शिवपाल सिंह ने बयान। और इसी के साथ अगली खबर के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा, फिर आल इजाजत दीजिए, नमस्कार।